कंपेयर विथ पीयर्स पे चलते हैं, कंपेयर विथ पीयर्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, कंपेयर विथ पीयर्स, नीचे में कंपेयर विथ पीयर्स लिखा हुआ था, कंपेयर विथ पीयर्स में ये खुला है, दीज कंपनीज कैस्ट्रॉल सोलर इंडस्ट्रीज गुजरात एल्कलीज हिमाद्री फिलिप्स कार्बन, दीज आर कंपनीज विच आर ऑल्सो इन द केमिकल बिजनेस, तो अंडरस्टैंडिंग वॉट सॉर्ट ऑफ सागर दिस इज। एक कंपनी का स्टडी करने गए, फिर पीयर्स ढूंढे तो इतना पीयर्स आ गया। ओके, अब इट्स पीयर्स में से और इनमें से कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट है, उसका देर वुड बी 5,000 क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग, हु आर द प्रमोटर्स, व्हाट्स द बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास, ठीक है, व्हाट प्रॉफिट दे हैव फर्निस्ड, ठीक है, तो विच मीन्स इफ यू अगर बैक जाना, हाँ यार ना, यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड पी रेशियो, पी दिख रहा है, पीई, पी का मतलब होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, क्या इट्स कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो, इट इज 31.59 टाइम्स, दिस मीन्स वॉट, द शेयर प्राइस इज राइट नाउ अराउंड 32 टाइम्स इट्स अर्निंग्स, इसका जो अर्निंग्स है ना, शेयर का दाम उसका 32 टाइम्स है, 1 रुपया अगर अर्न कर रहा है तो शेयर का दाम 32 है, सेक्टर का, नीचे सेक्टर पी रेशियो दिखा, सेक्टर का माने इसके जो भाई बंधु लोग हैं उनका पी रेशियो 27 टाइम्स है, क्या टाइम्स है, 27 टाइम्स, तो वैसे लग रहा है इट इज ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड बिकॉज सेक्टर का पी रेशियो 27 टाइम्स है और इसका पी रेशियो क्या है, 31 टाइम्स, बट टेल मी समथिंग, इज इन देयर समथिंग कॉल्ड क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग द सी एफ ए प्रोग्राम एंड चार्जिंग यू अ सर्टन अमाउंट फॉर द सेम, ठीक है, देयर अदर्स इन द ग्लोब हु आर टीचिंग द सी एफ ए प्रोग्राम, सम चार्जिंग इवन हायर, सम चार्जिंग इवन लोअर, ठीक है, तो यू डोंट स्ट्रेट अवे जस्ट प्लक दैट पर्टिकुलर टीचर एज योर लर्निंग प्रोवाइडर हु चार्जेस द लोएस्ट प्राइस, बिकॉज वॉट कम्स इन योर माइंड इज वॉट, क्वालिटी डिलीवरेबल, तो वैसे ही ये जो पी रेशियो है 27 टाइम्स 31 टाइम्स, पूरे सेक्टर का पी रेशियो इज 27 टाइम्स, इसका पी रेशियो इज 31 टाइम्स, द वे अ लर्नेड पर्सन लुक्स एट इट इज दैट, ये इज्जत दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इज्जत, ओके, माने जब अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उस पर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड आता है ना, सबका पढ़ा हुआ है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड ये बोलते हैं कि इफ प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, इट हैपन्स इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, बिकॉज द प्राइस इज राइजिंग इट इज ओनली राइजिंग बिकॉज ऑफ वन रीजन, पीपल आर बाइंग, इफ द प्राइस इज राइजिंग इट इज ओनली राइजिंग बिकॉज वन रीजन, पीपल आर बाइंग, एंड विच पीपल, ऑल पीपल आर बाइंग, दे आर नॉट फूल्स, यू बिलीव यूर सेल्फ टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग, दे हैव हार्ड अर्न मनी, इफ दे आर बाइंग मतलब मोस्ट ऑफली यू आर अ फूल, दे आर इंटेलिजेंट, दे कुड बी एन एक्सेप्शन, वो अलग बात है, तो इसका मतलब रिस्पेक्ट द मार्केट, ठीक है, इफ द मार्केट इज प्लेसिंग द रिस्पेक्ट ऑफ 31 टाइम्स टू इट, इंडिया का प्राइस अर्निंग रेशियो, इंडिया का प्राइस अर्निंग रेशियो इज अराउंड 20 टाइम्स, हाउ मच, 20 टाइम्स, पाकिस्तान का प्राइस अर्निंग रेशियो इज 4 टाइम्स, लेट्स बाई पाकिस्तान, माने वी शुड बाय पाकिस्तान एंड गो शॉर्ट ऑन इंडिया, तो विल बी शॉर्ट टोटली, तो इसलिए वो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो एक फंडामेंटल वेरिएबल है जो आपको दिखाता है, अब हो सकता है 31 जो ओवर प्राइस्ड, हो सकता है 31 जो ओवर प्राइस्ड, जैसे तुमने डीप स्टडी किया मेक मनी का, बहुत ज़्यादा प्लांट विजिट किया, उनके मैनेजमेंट से बात किया, पीएल अकाउंट देखा, बैलेंस शीट देखा, केमिकल सेक्टर स्टडी किया, ये वो वगैरह वगैरह, सेंट्रल बैंकर्स से बात किया कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द इंक सप्लाइड और नॉट, और तुमको लगा यार मेक मनी जो है इसका फालतू में स्टॉक का दाम ज़्यादा है, ठीक है, तो सपोज यू फेल डेट आई एम इलॉजिकली चार्जिंग अ हायर फीस फॉर द सी एफ ए प्रोग्राम, माई क्वालिटी इज नॉट देयर, ठीक है, तो इन दैट केस यू विल पास ऑन दैट ना, कि कोई सेंस नहीं है, तो वैसे दैट थिंग पासेज ऑन, कोई सेंस नहीं है, यू विल सेल द स्टॉक, यू विल सेल द स्टॉक, अदर्स विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग, द स्टॉक प्राइस विल वॉट फॉल एंड यू विल मेक वॉट प्रॉफिट, ठीक है, तो बट देन योर ओपिनियन गॉट टू बी राइट, मतलब आपके बेचने के बाद बाकी लोगों को बेचना जरूरी है, तो आप अगर प्रोएक्टिव हो, आपने पहले से कुछ स्टडी कर लिया जो लोगों को बाद में समझ में आएगा, इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ बींग प्रोएक्टिव, ठीक है, तो इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग विच पीपल विल अंडरस्टैंड लेटर, तो यू विल एक्ट अपॉन इट अर्लियर, पीपल विल एक्ट अपॉन इट लेटर एंड यू आर बेटिंग ऑन देयर एक्टिंग, एक लैंग्वेज बोलूं, इफ यू बाय अ स्टॉक डू यू वॉन्ट अदर्स टू बाय द स्टॉक और नॉट, येस, इफ यू बाय अ स्टॉक द ओनली वे यू कैन गेन इज बाय अदर्स बाइंग द स्टॉक,
देन ओनली द प्राइस विल राइज. ठीक है, तो द मार्केट विल मूव ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ वो लॉजिक क्या बाजार में आएगा, क्या वो लॉजिक कम्युनिकेट होगा, क्या ऐसा क्या है कि मेरे को वो लॉजिक पहले समझ में आ गया, क्या भगवान ने मेरे को कोई दिव्य दृष्टि दी है, व्हाट हैव गॉड गिवन मी, व्हाई इज इट दैट यू आर एबल टू गेस समथिंग विच अदर्स आर नॉट एबल टू. ऑल दैट इज फंडामेंटल. व्हाट इज दैट फंडामेंटल? फंडामेंटल एनालिसिस. ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इनके बारे में फंडामेंटल होता है. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ये सब अपने स्टडी करके देखेंगे ये स्टॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच आई एम नॉट एबल टू इलैबोरेट बिकॉज अपना कोई बेस नहीं है उसमें. ठीक है, अभी तक राइट नाउ. सो दैट्स हाउ यू डू द एनालिसिस. तो ये अपना जरा सा मैंने आपको बताया है इसके बारे में. वैसे आपको अगर घर पे जरा सा मन हुआ कि एक बार क्लिक करके देखिए क्या है क्या नहीं है, तो इन दैट केस ये काइट क्या एक्सेसिबल सबको थोड़ी है, नहीं ना, स्मॉल केस पर वो लोग नहीं समझ पाएंगे अभी. तो एनएससी में तो जा ही सकते हैं, एक बार एनएससी में जाओ, बंद करो, नहीं चार्ट तो नहीं, एक बार एनएससी में जाओ, बेटर रहेगा. हाँ, ओ यस, एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड, मैं स्क्रीन सेव कर रहा हूँ. रिमेंबर, आज क्लास चालू करने के पहले मैंने बोला था यू विल मोर लेस अंडरस्टैंड बट योर सेटिस्फैक्शन के नॉट रिमेन 10/10 बिकॉज यू विल फील, नहीं बताए थे बहुत सारा यार, पर थोड़ा हेजी है, क्लियर नहीं है, वैसे लगेगा. ठीक है, बट देन इट गोज इन टू द माइंड इंटरनली, यू हैव बिल्ट अप ऑन सम अंडरस्टैंडिंग, खासकर ऑफ द बिड आस्क वगैरह का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो कि अपने आप ही हेल्प करता रहेगा.